अपनी लोक संस्कृति के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पर एक और ताज सजने वाला है। दरअसल अमेरिका में सिरमौरी संस्कृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री आगामी 15 अगस्त को प्रदर्शित की जाएंगी। इस डॉक्यूमेंट्री को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त मेलाराम शर्मा ने बनाया है। आगामी 15 अगस्त को हिमाचल के सिरमौर जिला की संस्कृति की झलक अमेरिका में भी देखने को मिलेगी, जिससे हिमाचल संस्कृति पर एक और ताज लगेगा। दरअसल 15 अगस्त को अमेरिका में फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त मेलाराम शर्मा की डॉक्यूमेंट्री भी अमेरिका में प्रदर्शित की जाएगी। मेलाराम शर्मा द्वारा सिरमौर की बूढ़ी दिवाली पर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। करीब 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे यहां के लोग बूढ़ी दिवाली का आयोजन करते हैं। अमेरिका में आयोजित हो रहे फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर से कुल 22 डॉक्यूमेंट्री का चयन किया गया है, जिसमें मेलाराम शर्मा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को चौथे नंबर पर आंका गया है। मेलाराम शर्मा ने बताया कि ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिला, प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है कि अमेरिका जैसे देश में हिमाचल की संस्कृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। मेलाराम शर्मा ने बताया कि इससे पहले मुंबई में आयोजित कला समृद्धि फिल्म फेस्टिवल में भी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बनाने का मुख्य मकसद ये था कि वे बूढ़ी दिवाली से जुड़ी संस्कृति को उजागर कर सके। ये जो बूढ़ी दिवाली फिल्म है, ये सिरमौर की एक प्राचीन परम्परा है। ये एक त्यौहार होता है, बूढ़ी दिवाली त्यौहार, जो कि राष्ट्रीय पर्व दिवाली के ठीक एक महीने के बाद जिला सिरमौर के पिछड़े, खासकर रेणुका और शिलाई के ग्रामीण क्षेत्रों में ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये वहाँ की एक अद्भुत परंपरा है, और मुझे लगा कि इस, चूँकि हमारी बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी हमारी जो संस्कृति है, बहुत सारा हमारा जो रीति रिवाज है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस बूढ़ी दिवाली परंपरा पर हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखानी चाहिए, ताकि इसे जो है हम चिरस्थायी बना सकें। ये बूढ़ी दिवाली फिल्म का चयन जो है, सबसे पहले मुंबई में कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहाँ हुआ था, और उसके लिए मुझे हैरानी हुई कि मेरी फिल्म का भी वहाँ चयन किया गया। और उससे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब अवार्ड सेरेमनी में मैं खुद भी गया था बॉम्बे, तो वहाँ जब इस फिल्म को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड अनाउंस हुआ, तो ये मेरे लिए भी हैरानी की बात थी, गौरव की बात तो थी, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश और हमारे इस जनपद के लिए भी बड़े गौरव का विषय था कि इस फिल्म को मुंबई में स्पेशल ज्यूरी का अवार्ड मिला। और उसके बाद एक फिल्म फ्रीवे एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जब हम कोई अपना प्रोजेक्ट या अपनी कोई फिल्म अपलोड करते हैं, तो उसको पूरी दुनिया की ज्यूरी जो है वो देखती है और जज करती है ज्यूरी, फिर उनको जो जो फिल्में वहाँ अपने फिल्म फेस्टिवल में दिखाने के लिए अच्छी लगती है, उसको वो फिर हमारी परमिशन से जो है डाउनलोड करके फिर उसको दिखाते हैं। तो मुझे अभी हैरानी हुई 3 दिन पहले जब मुझे अमेरिका से मेल प्राप्त हुई, वहाँ पे एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है 15 अगस्त को, और उसमें दुनिया भर की 22 फिल्मों का चयन हुआ है, जिसमें मुझे खुशी है कि चौथे नंबर पर जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष की ये जो फिल्म है बूढ़ी दिवाली, उसका चयन अमेरिका के फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। कुल मिलाकर मेलाराम शर्मा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ेगा, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।